नमस्कार, मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संडे की शाम है और हम ले आए हैं आपके लिए वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान एपिसोड 7। लास्ट वीक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की परफॉर्मेंस, एशियन मार्केट की परफॉर्मेंस, इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही ये देखते हैं, और रेकमेंडेड स्टॉक्स हमारे क्या थे और पिछली बारी की परफॉर्मेंस कैसी रही। इस वीडियो को हम वन वे कन्वर्सेशन नहीं बनाना चाहते, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी सेक्टर स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपके पोर्टफोलियो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है और आप चाहते हैं हम अगले वीडियो में उसका आंसर करें, तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है हमारे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आखिरी में जो स्क्रीन में आपको नंबर दिखाए जाते हैं उन नंबरों पर आप अपना व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान एपिसोड 7। मंडे के दिन हमने देखा बाजारों में काफी उथल पुथल रही, काफी गिरावट के साथ बंद हुए। यूएस मार्केट का जो एक ट्रिगर था, जो जॉब का डाटा था, वो एक्सपेक्टेशन से कम आया था, जिसकी वजह से मंदी के आसार बन गए। साथ ही साथ यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो नीचे गिर गई, उसके कारण काफी ज्यादा बवाल हुआ। साथ के साथ जैपनीज येन के अंदर जो चेंजेस हुए, जो बैंक ऑफ जापान ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, उसका इम्पैक्ट भी देखा करेंसी मार्केट में बहुत बुरी तरह पड़ा। डाउ जोन्स पूरे हफ्ते में करीब आधा परसेंट से ज्यादा 0.68% के गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 0.05% की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट फ्लैट बंद रहा, एंड नैसडेक में भी ओनली 0.18% की गिरावट, जो ऑलमोस्ट फ्लैट के नाम की तरह ही बंद हुआ। एशियन मार्केट्स के अंदर, यूरोपियन मार्केट के अंदर फिटसी फ्लैट बंद हुआ, कैक में 0.25% की बढ़त देखी गई, डेक्स में 0.35% की बढ़त देखी गई। निफ्टी 50 करीब 1.5% से डाउन रहा, निकाई 2.5% से डाउन रहा, हैंगसेंग में तकरीबन 1% की बढ़त देखी, एंड शंघाई में करीब 1.5% की गिरावट हमने देखी। कमोडिटी की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड में लगातार नरमी देखी जा रही है, पिछले हफ्ते भी वो 1.77 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 79.74। गोल्ड में भी करीब 0.5% की नरमी देखी, गोल्ड अभी भी काफी हाई चल रहा है, $2,430 पर आउंस का रेट चल रहा है। सिल्वर में करीब करीब 4% की गिरावट और क्रूड ऑयल में 0.20% की गिरावट दर्ज करी गई। सभी करेंसीज के मुकाबले इंडियन रुपी गिरावट के साथ बंद हुआ, यूएस डॉलर के मुकाबले 0.18% की गिरावट देखी, 83.80 का क्रूशियल लेवल वो टूट चुका है, एंड करंट ट्रेडिंग प्राइस 83.95 का है। यूरो जीबीपी सबके अगेंस्ट आपने देखा, एक साइड पे दिखा जा रहा है कितना रुपये में गिरावट दर्ज की गई। जैपनीज येन की तो स्टोरी हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स क्या रहे, गवर्नमेंट ब्रिंग्स बैक इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी परचेज बिफोर बजट। 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको 20% विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, दोनों में से जो कम है वो आपको टैक्स पे करना है। इसके अंदर केवल और केवल इंडिविजुअल्स के नाम पे ली गई प्रॉपर्टी है, यदि आपने प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ली है या ट्रस्ट के नाम पे ली है तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप NRI हैं तो ही आपको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये केवल लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट आपको गोल्ड या अदर एसेट क्लास पे नहीं मिलेगा। तो काफी सारे क्लॉजेज हैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस एसेट क्लास पे कैलकुलेट करने के लिए, आपको अच्छे CA की सलाह की आवश्यकता रहेगी, तभी आप इसको प्रोसेस कीजिएगा। अगली खबर है वॉरेन बुफे बर्कशायर हैथवे स्लैशेस एप्पल स्टेक बाय 50% ऑन सेलिंग स्प्री, कैश होल्डिंग नियर्स $280 बिलियन। किसी जमाने में बर्कशायर हैथवे कहता था, वॉरेन बुफे कहते थे बर्कशायर हैथवे का पिलर है एप्पल कंपनी, बट आज उसमें अपने स्टेक को लगातार वो ट्रिम डाउन करता जा रहा है, 50% से उसने घटा दिया है। Dell fires 12,500 employees or 10% of global workforce in major shift towards AI, says report. पिछले हफ्ते Intel ने अपने employees को बाहर किया, इस हफ्ते Dell ने अपने employees को बाहर किया, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब employees को बाहर निकाला जाता है इसका ओवरऑल एक विशेष सर्कल बन जाता है, डिमांड कम होती है, डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, मंदी के आसार ऑलरेडी हमारे सामने आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके से अच्छी खबर नहीं है। एमपॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका रेजेस ग्लोबल हेल्थ कंसर्न्स एज वायरस क्रॉसेस बॉर्डर। कोरोना वायरस के अभी दबाव से हम लोग बाहर नहीं आए, भयंकर समय हम लोगों ने 2020 के बाद देखा, अभी मुश्किल से बाहर आए हैं। अब फिर एक मंकी पॉक्स होता था, इसको एमपॉक्स कहते हैं,
ये एक आउटब्रेक अफ्रीका में आ गया है, ये एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसी बीमारियों को खत्म करें और हमें अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। अच्छी खबर नहीं है ये भी। लास्ट, कैबिनेट एक्सटेंड्स PMG 1 योजना इम्प्लीमेंटेशन बाय 5 ईयर्स टू इन्फ्यूज फर्दर फंड। 2070 तक नेट जीरो GHG का टारगेट है। GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस, जिसमें इथेनॉल की प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने के बाद जो डेटा था 15.4% का था मई में, उससे पहले 12.7% का था अप्रैल में। 2025 तक इसको 20% तक ले जाने का गवर्नमेंट का टारगेट है। ये हमें एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के तहत जो पराली, जिसको हम कहते हैं कि किसानों की बच जाती है, उसको गवर्नमेंट के साथ उनको बेचने के अंदर प्रॉफिट होगा। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिसको लोग जलाते थे और एक पॉल्यूशन होता था। अब उसी बची हुई रेजिडुअल अमाउंट, रेजिडुअल से जो एग्रीकल्चर रेजिडुअल है, उससे वापस से इथेनॉल गैस के लिए काम किया जा सकता है। किसानों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है। अगली स्लाइड है हमारी, बुलिश सेक्टर कौन से हैं? बुलिश सेक्टर निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी FMCG। निफ्टी फार्मा पिछले हफ्ते भी बुलिश सेक्टर में था, पिछले हफ्ते भी 1.39% की बढ़त देखी गई, इस हफ्ते भी 1.40% की बढ़त देखी गई। बेयरिश सेक्टर के अंदर दो सेक्टर हैं, निफ्टी मेटल, निफ्टी PSU बैंक। रेकमेंडेड स्टॉक्स के अंदर हम बात करते हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस 966, इसका करंट मार्केट प्राइस है। इसकी बाइंग रेंज 960 to 966 है। स्टॉप लॉस 957 पे लगाना है। तीन टारगेट है 970, 980, 990 प्लस के। एक्सिस बैंक का 1142.75 करंट मार्केट प्राइस है। ये अपने डेली सपोर्ट लेवल से रिवर्सल हो चुका है। बाइंग रेंज 1125 से 1142 का कोई भी लेवल ले सकते हैं। 1122 में स्टॉप लॉस लगाना है। 1150, 1160 और 1170 के टारगेट हैं। आप इसका कैंडल चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको इस पर नजर आ रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस का सेम है, एक्सिस बैंक का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको अपने लास्ट वीक की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं। तिरुमलाई केमिकल्स मार्केट प्राइस 2 अगस्त को 335.50 का था। बाइंग रेंज इसकी 300, 300, 333 की है। स्टॉप लॉस 323 पे लगाना है। 340, 344, 350, 355 प्लस का टारगेट हमने दिया हुआ है। स्टॉप लॉस लास्ट वीक हिट हो गया था, लेकिन अभी आप इसमें बने रह सकते हैं। HDFC के ऊपर हमारा मार्केट प्राइस 2 अगस्त को 16.59 का था। ये भी अपने डेली सपोर्ट लेवल से रिवर्सल मार चुका है। बाइंग रेंज 1650 से 1647 और 1650 के बीच की रहेगी। 1642.50 पे स्टॉप लॉस लगाना है। 1669, 1674, 1680 पे टारगेट है, अभी इसमें बने रहना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके कैंडल चार्ट दिखेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा स्टॉक की मूवमेंट किस तरीके की है। ट्रेंडी स्टॉक है, ग्रीन चार्ट दिखा, ग्रीन कैंडल स्टिक्स दिखा रहे हैं, विच इज गुड फॉर द स्टॉक। 2 अगस्त और 9 अगस्त की प्राइसिंग हमने आपको दोनों स्टॉक्स की दिखा दी है। प्रदानी ग्लोबल मार्केट ज्ञान ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों पे अवेलेबल है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है और आपको हमारी एडवाइजरी लेनी है, तो वो भी हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज सारी दे सकते हैं। ये स्क्रीन पे हमारे नंबर है, ईमेल आईडी है, आप अपनी क्वेरी इस पे पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं। लास्ट के अंदर हर बार की तरह मैं आपको अपने CIO साहब और सागर जी का इंट्रोडक्शन देता हूं, एंड अंत में थैंक यू सो मच। वरदानी ग्रुप ऑफ मार्केट ज्ञान के साथ बने रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।